तो नॉट ओनली का प्रयोग की जब बात करें और हम जब रूल्स अप्लाई करते हैं, तो रूल्स हमारा क्या कहता है कि रूल्स हमारा यह कहता है कि जब नॉट ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया है तो बट आल्सो का प्रयोग भी सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थैंक तो हमारा वर्ब है, तो राम हमारा क्या है, नाउन है या सब्जेक्ट कह लें, ये हमारी क्या है, थैंक्ड मी, तो ये एक वर्ब है और ये हमारा नाउन है, तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा बना ही नहीं, और जब बना ही नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब सेंटेंस हमारा गलत होगा तो सही प्रयोग कैसे होगा, तो सही प्रयोग ये होगा, या तो नाउन से पहले प्रयोग करने के लिए नॉट ओनली का, तो हम बट आल्सो के पहले भी हम बाद में हम भी नाउन लगाएं, लेकिन हमारे टेंस में नाउन तो है नहीं, तो हम करेंगे कि नॉट ओनली का प्रयोग जो है हम किससे, एक वर्ब से पहले हो गया, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और बट आल्सो का प्रयोग, थैंक्ड हमारी क्या है, एक वर्ब है, तो थैंक्ड हमारी एक वर्ब है, उससे पहले क्या हो गया, बट आल्सो हो गया, यानी कॉम्बिनेशन परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी सेंटेंस हमारा सही है। नॉट ओनली का प्रयोग ये नाउन से पहले किए हैं, तो बट आल्सो का प्रयोग भी हम नाउन से पहले करेंगे। अगर नॉट ओनली का प्रयोग हम वर्ब से पहले किए हैं, तो बट आल्सो का प्रयोग भी हम वर्ब से पहले करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर वीके साथ, दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दोस्तों हमने थंबनेल में देख लिया होगा, और जी हाँ, हम वही की बात करने वाले हैं, और जैसे कि जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर इसका अगर लिटरली अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है सह संबंध संयोजक, सह संबंध संयोजक। दोस्तों सह संबंध संयोजक मतलब है म्यूचुअल रिलेशन, यानी पारस्परिक संबंधों के बारे में बात करेगा, और इसमें हमारा अगर आज जो बात करने वाले हैं वो कंजंक्शन हमारा क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमारा क्या है, सहसंबंध है, यानी ये हमको म्यूचुअल रिलेशन दिखाता है। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों नॉट ओनली और बट आल्सो में खासियत ये होती है कि हम इसमें जानेंगे कि ये कंजंक्शन का काम, मतलब कंजंक्शन का मतलब होता है जो संयोजन, मतलब जो दो सेंटेंसों को एक कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम क्या करता है, कंजंक्शन करता है। तो नॉट ओनली जो हमारा होता है इसमें दो कंजंक्शन, दो तरह के सेंटेंस को ये जोड़ता है, जैसे एक नंबर एक में वो सेंटेंस आते हैं जिन वाक्यों के कर्ता समान होते हैं, कर्ता समान होते हैं, यानी जिन वाक्यों के कर्ता समान होते हैं, कर्ता का मतलब जिनका दो सब्जेक्ट, दो अलग अलग सेंटेंस होंगे तो अलग अलग उनके कर्ता यानी सब्जेक्ट होंगे, तो उन सेंटेंस के दोनों अलग अलग कर्ता क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे सेंटेंसों को नॉट ओनली बट आल्सो से हम जोड़ते हैं। दूसरा हमको मिलता है कि जिन जिन वाक्यों में कर्ता असमान होते हैं, के कर्ता असमान होते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे दो सेंटेंस हैं और उनको जोड़ने के लिए दो कर्ता समान, यानी दो सब्जेक्ट होंगे, पहले में कर्ता कोई और होगा, दूसरे में कर्ता कोई और होगा, इन तरह के सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे जिन वाक्यों के कर्ता समान होंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सीता इज प्लेइंग
चेस, सिटाइज प्लेइंग चेस। और दूसरा वाक्य क्या हो गया? ये हो गया ए, ये हो गया बी। सीता इज वाचिंग टीवी, डब टीवी। तो हम इसमें क्या देखें कि सीता इज प्लेइंग चेस, यानी सीता चेस खेल रही है। दूसरे में क्या देखें, सीता इज वाचिंग टीवी, यानी सीता टीवी देख रही है। तो अगर हम बात करें तो जैसे जिन वाक्यों के कर्ता समान होते हैं, तो इनमें इस वाक्य को दोनों को हमको जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे सीता कॉमन है, मतलब सब्जेक्ट दोनों के कॉमन है। और जब इस कॉमन सेंटेंस, जब मतलब जो जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन होता है, उस वाक्य को हम ऐसे बनाएंगे, जैसे सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस, यानी सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी। यानी सीता केवल चेस नहीं खेल रही है, बल्कि वह टीवी भी देख रही है। तो हम जब दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी हम दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए पहली बार तो कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है, और यह कैसा कंजंक्शन है? सहसंबंध संयोजक होता है, यानी सहसंबंध बताने वाला, यानी म्यूचुअल रिलेशन बताने वाला जब कंजंक्शन होता है। जब ऐसे कंजंक्शन को हम प्रयोग करते हैं, दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, यानी जिन वाक्यों के कर्ता समान होते हैं, जो आपके सामने है। यानी सीता इज प्लेइंग चेस, सीता क्या है? गेम खेल, मतलब चेस खेल रही है। सीता इज वॉचिंग टीवी, सीता टीवी देख रही है। और दोनों को अगर हमें जोड़ना होगा, तो सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस, यानी सीता केवल चेस नहीं खेल रही है, बट ऑल्सो बल्कि वॉचिंग टीवी, वह टीवी भी देख रही है। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जो लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, पहले नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। दूसरा एग्जाम्पल है, निशा ईट्स मैंगो और इसका ये ए हो गया, और इसका बी सेंटेंस कौन सा है? निशा कुक फूड, यानी निशा ईट्स मैंगो, निशा आम खाती है। निशा कुक्स फूड, यानी सीता निशा खाना बनाती है। तो हम यहाँ पर क्या देखें, निशा भी कॉमन है, निशा हमारी, यानी सब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कॉमन है। और ऐसे सेंटेंस को हम अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? जैसे निशा नॉट ओनली ईट्स मैंगो, बट ऑल्सो कुक्स फूड, यानी निशा जो है केवल आम नहीं खाती है, बल्कि वह खाना भी बनाती है। तो कैसे बनाएंगे? निशा नॉट ओनली ईट्स मैंगो बट ऑल्सो कुक्स फूड। और अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, गर्ल्स आर वॉचिंग टीवी, और इसी का बी सेंटेंस हमारा होगा,
गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज, यानी गर्ल्स आर वाचिंग टीवी, यानी लड़कियां टीवी देख रही हैं। गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज, यानी गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो क्या है, टीवी देख रही हैं, और दूसरे में क्या है, लड़कियां शोर भी मचा रही हैं। तो अगर इसको हम नॉट ओनली से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे गर्ल्स आर नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज यानी गर्ल्स आर वॉचिंग टीवी, गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज, दो सेंटेंस है। और उसको अगर नॉट ओनली से हम बनाए तो गर्ल्स आर नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो मेकिंग अ नॉइज, यानी लड़कियां केवल टीवी नहीं देख रही हैं बल्कि वो शोर भी मचा रही हैं। दोस्तों हम समझ गए होंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। अब हम जानेंगे जिन जिन वाक्यों के कर्ता असमान, यानी दोनों जो दो वाक्य होंगे उनके कर्ता अलग अलग होंगे, यानी अब हम बात नंबर 2 की करेंगे। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हीना इज वॉचिंग टीवी, यानी हीना टीवी देख रही है। और अगर इसके बी सेंटेंस की बात करें, शीला इज वॉचिंग टीवी, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट अलग है और इसका सब्जेक्ट अलग है। तो इसको अगर हम नॉट ओनली से जोड़ेंगे तो हम क्या बनाएंगे, नॉट ओनली ही ना, नॉट ओनली ही ना बट ऑल्सो शीला इज वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी, इसमें हमने क्या देखा, नॉट ओनली हीना यानी केवल हीना ही नहीं बट आल्सो शीला भी, यानी केवल हीना नहीं बल्कि शीला भी इज वॉचिंग टीवी, यानी शीला भी टीवी देख रही है। और अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, राम विल प्ले फुटबॉल, अभी सेंटेंस है हमारा, श्याम ई विल प्ले फुटबॉल। यानी राम फुटबॉल खेलेगा, श्याम फुटबॉल खेलेगा। अब इसको अगर हमको बनाना हो तो हम नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम विल प्ले फुटबॉल। यानी नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, यानी केवल राम ही नहीं बल्कि श्याम भी क्या है, फुटबॉल खेलेगा। तो यहाँ पर भी हम देखें
कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है। और जब हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो नॉट ओनली राम, यानी एक कर्ता से पहले नॉट ओनली और दूसरे कर्ता के बाद बट आल्सो, फिर दूसरे कर्ता, फिर हम जो शेष भाग बचता है उसको हम कॉपी कर देते हैं। हम यहाँ तक समझ गए होंगे। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे, आप लोग रिमार्क बना लीजिए, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अक्सर क्वेश्चन अगर एरर में आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारा यहीं पर गलती सबसे ज़्यादा होती है, जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। आप लोग रिमार्क बना लीजिए और लिख लीजिएगा कि यानी जब नॉट ओनली का प्रयोग नाउन से पूर्व किया जाता है तो बट आल्सो का प्रयोग भी नाउन से पूर्व किया जाएगा, और अगर नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब से पूर्व किया जाता है तो हम बट आल्सो का प्रयोग भी वर्ब से पूर्व करेंगे। यानी जब हम नॉट ओनली का प्रयोग नाउन से पूर्व करते हैं तो बट आल्सो का प्रयोग भी नाउन से पूर्व करेंगे, लेकिन जब हम नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब से पूर्व करते हैं तो हम बट आल्सो का प्रयोग भी वर्ब से पूर्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें तो एग्जाम्पल लेते हैं, ए राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी बट आल्सो प्लेइंग फुटबॉल जैसे राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी बट आल्सो प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सेंटेंस हमको सही लग रहा है। आप लोग एक बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए कि राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी बट आल्सो प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने क्या देखा कि नॉट ओनली यहाँ पर बट आल्सो का प्रयोग किससे पहले हुआ है, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल से पूर्व किया गया है। और जबकि यहाँ पर नॉट ओनली का प्रयोग हम टीवी से पूर्व देख रहे हैं, तो इस तरह से वाक्य हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, इसका सही प्रयोग कैसे किया जाएगा? इसका सही प्रयोग ये होगा, जैसे राम इज नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। यानी राम इज नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। तो ये करेक्ट है हमारा सेंटेंस, कैसे जाने? क्योंकि यहाँ वॉचिंग टीवी, वॉच हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब यानी वॉच माने होता है देखना, यानी टीवी देख रहा है। और यहाँ पर प्ले हमारी क्या है, मेन वर्ब, प्ले मतलब होता है खेलना, यानी फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि बट ऑल्सो का प्रयोग हम प्लेइंग से पूर्व किए, यानी एक वर्ब से पहले किए। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वॉचिंग मतलब नॉट ओनली का प्रयोग हम वॉचिंग टीवी से पूर्व कर रहे हैं, जबकि वॉच हमारा क्या है, वॉच हमारा एक वर्ब है, और प्लेइंग हमारा क्या है, प्लेइंग भी हमारा एक वर्ब है। तो जो नॉट ओनली है वॉचिंग से पूर्व किया गया, और जो बट ऑल्सो है प्लेइंग से पहले इसका प्रयोग किया गया। तो हम समझ गए होंगे कि जब नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब से पहले आता है तो बट आल्सो का भी प्रयोग वर्ब से पहले ही करना
करेंगे, अन्यथा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले लो, फिर हम दूसरा एक एग्जांपल बता दें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, नॉट ओनली राम गेव मी 5 coins, यानी राम ने केवल हमको 5 coins यानी सिक्के ही नहीं दिए, बट आल्सो थैंक्ड मी। अब अगर पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, नॉट ओनली राम गेव मी 5 coins यानी राम ने केवल हमको 5 coins ही नहीं दिए, बट आल्सो बल्कि थैंक्ड मी मेरा धन्यवाद भी किया। तो नॉट ओनली का प्रयोग की जब बात करें और हम जब रूल्स अप्लाई करते हैं तो रूल्स हमारा क्या कहता है कि रूल्स हमारा यह कहता है कि जब नॉट ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया है तो बट आल्सो का प्रयोग भी सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थैंक्ड तो हमारा वर्ब है, तो राम हमारा क्या है, नाउन है या सब्जेक्ट कह लें, ये हमारी क्या है, थैंक्ड मी, तो ये एक वर्ब है और ये हमारा नाउन है, तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा बना ही नहीं, और जब बना ही नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब सेंटेंस हमारा गलत होगा तो सही प्रयोग कैसे होगा, तो सही प्रयोग ये होगा, या तो नाउन से पहले प्रयोग करने के लिए नॉट ओनली का, तो हम बट आल्सो के पहले भी हम बाद में हम भी नाउन लगाएं, लेकिन हमारे टेंस में नाउन तो है नहीं, तो हम करेंगे ये राम नॉट ओनली गेव मी 5 coins बट आल्सो थैंक्ड मी। कैसे किए, अब हम देखो कि नॉट ओनली का प्रयोग जो है हम किससे, एक वर्ब से पहले हो गया, गेव हमारी क्या है, वर्ब है, और बट आल्सो का प्रयोग, थैंक्ड हमारी क्या है, एक वर्ब है, तो थैंक्ड हमारी एक वर्ब है, उससे पहले क्या हो गया, बट आल्सो हो गया, यानी कॉम्बिनेशन परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी सेंटेंस हमारा सही है। नॉट ओनली का प्रयोग ये नाउन से पहले किए हैं, तो बट आल्सो का प्रयोग भी हम नाउन से पहले करेंगे। अगर नॉट ओनली का प्रयोग हम वर्ब से पहले किए हैं तो बट आल्सो का प्रयोग भी हम वर्ब से पहले करेंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों जो उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल होगा और जो कि छूटने ना पाए। और दोस्तों जो लोग वीडियो को आधा देखते हैं या स्किप कर देते हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो आधा देखोगे या पॉज कर दोगे या स्किप कर दोगे तो आपको कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखने का पूरा प्रयास करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट।